हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देखना शुरू कर चुके हैं विनय की पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित की इकाई 5 त्रिभुज और उसका अभ्यास 5E जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसमें कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है, और उसके पहले हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। वो ये है कि ये त्रिभुज आप देख रहे हैं और हम आपसे कहें कि इस त्रिभुज के चारों तरफ एक ऐसा वृत्त खींचो जो इन तीनों बिंदुओं के शीर्षों से होते हुआ जाए, यानी कि वो जो वृत्त हो वो उसकी परिधि पे ये तीनों बिंदु आए इस तरीके से। तो ये आप कैसे करेंगे, पढ़ गए आप समस्या में? तो इसका समाधान आपको इस एक्सरसाइज में मिलेगा। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा परिकेंद्र, और परिकेंद्र इस त्रिभुज का परिकेंद्र मतलब सबसे पहले तो हम एक ऐसा केंद्र बिंदु ज्ञात करें जहाँ पर प्रकार की नोक अगर रखें तो वहाँ से जब हम वृत्त बनाएं तो वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होता हुआ जाए। और परिकेंद्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा इनकी भुजाओं का लंबार्धक करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, एक होता है अर्धक, एक होता है लंबार्धक। आधे से अधिक हमने चाप ले लिया, ऊपर लगाया नीचे लगाया, वही काम हम यहां से करेंगे, ऊपर लगाया और नीचे लगाया। ये दोनों चाप एक इस बिंदु पे काट रहा है, एक इस बिंदु पे काट रहा है, इनको हम मिला देंगे। तो ठीक, तो ये हमारा हो गया लंबार्धक। अभी तक हमें केवल मध्य बिंदु से मतलब रहता था, मतलब ऐसी रेखा शीर्ष से मिलाते थे कहीं से। अब ये लंबार्धक मतलब ये 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा होनी चाहिए जो इस रेखा को बीच से काटती है। वही काम बाकी दो रेखाओं के लिए भी करेंगे, यहाँ से भी वही काम, ऊपर नीचे, इधर ऊपर नीचे, ऐसे लगेगा चाप और इस तरीके से यहाँ से भी मिलेगा। वही काम इस रेखा पे करेंगे, पहले यहाँ से ऊपर नीचे चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से ऊपर नीचे चाप लगाएंगे इस तरीके से। और ये जो है हमारा ये इस तरीके से मिलेगा कहीं। तो ये आपने यहाँ पे देखा, ये तीनों जो है एक ही बिंदु पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, एक ही बिंदु पे। और अब अगर हम यहाँ से प्रकार की नोक रख के अगर हम ये वृत्त खींचेंगे तो वो वृत्त जो है तीनों बिंदुओं से त्रिभुज के शीर्षों से होता हुआ जाएगा, यानी कि वो तीनों शीर्ष इस वृत्त की परिधि पर होंगे, और इसी को त्रिभुज का परिकेंद्र भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक निकालते हैं ये इस तरीके से, और इसमें लिखा है कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं, और त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो ये हमारा बिंदु O जो आया वो त्रिभुज का परिकेंद्र हो गया। तो अब आप समझ गए त्रिभुज का परिकेंद्र कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं उसका प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि एक रेखा खंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए, L पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB को नापिए, अंत में ये भी बताना है कि क्या PA बराबर PB है। तो देखो, एक हमने कोई रेखा खंड ले लिया है, ठीक। अब जो जो प्रश्न कह रहा है वो हमें करना है। इस रेखा खंड को एक नाम दे दिया AB, AB। अब कह रहा है कि इसका हमें लंब समद्विभाजक करना है। तो देखो, बोर्ड पे थोड़ा सा हिल जाता है प्रकार, लेकिन आप कॉपी पे करेंगे तो बहुत अच्छे से एकदम ध्यान से करना। तो फिर भी हम प्रयास करते हैं, इस तरीके से ऊपर, इस तरीके से नीचे, और वही काम करेंगे यहाँ से ऊपर और नीचे, जहाँ जहाँ पे काटे हैं चाप वहाँ पे हम इन दोनों को मिला देंगे। तो कहाँ पे काटा है, ये काटा है, इसको कहा है कि इसको नाम दे दिए L, तो इसको हमने L नाम दे दिया। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इस रेखा पर, इस रेखा खंड पे कोई भी एक बिंदु P ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, नीचे ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे एक बिंदु ले लिया जिसका नाम है P। अब प्रश्न कह रहा है PA और PB नापिए और बताइए क्या ये बराबर हैं। तो देखो, A से P ये हमारा है 16.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लिख देंगे PA बराबर 16.5 सेमी।
आप जितना रेखाखंड लेंगे आपके हिसाब से आएगा कम ज़्यादा, लेकिन बराबर आएगा। देखो पी भी, ये भी देखो कितना आया, 16.5। तो ये आपने देखा कि यहाँ से पी भी जो हमारा निकल के आया वो भी आया 16.5 से भी। तो हम लिख सकते हैं, पूछा था क्या पी ए और पी बी बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हाँ पी ए बराबर पी बी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें कोण सी समकोण हो, एबी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए, केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए वाला एक वृत्त खींचिए, क्या यह सी से होकर जाता है, त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ो एक बार और उसके बाद समकोण त्रिभुज हमें खींचना है। सिंपल सा आप चांदे की सहायता से खींच सकते हैं, तो ये हो गया और यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे। ये कोण हो गया हमारा 90 अंश का और अब इसमें कोण सी समकोण है, ये कोण सी समकोण है, ये ए है ये बी है। अब प्रश्न ये कह रहा है इतना हो गया, ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो उसके लिए आधे से अधिक चाप लिया और लगा दिया इधर, यहाँ लगा दिया इधर, वही काम इधर करेंगे, यहाँ से इधर और इधर, बोर्ड पे हिल जाता है, आप लोग कॉपी पे करेंगे बहुत अच्छे से होगा। अब इसको जो है हम लोग मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो मिलाने से क्या होगा, ये बिंदु ओ जो इसका मध्य बिंदु था वो हमें पता चल गया, ठीक। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ओ ए त्रिज्या वाला, कितनी त्रिज्या वाला, ये ओ ए त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है और ये वृत्त देखो ये ओ ए, ठीक है, देखो किधर से जा रहा है, बहुत सही बन गया ये, हिल गया थोड़ा। तो ये वृत्त जो है आपने देखा ए बी सी तीनों शीर्षों से जा रहा है। प्रश्न यही कह रहा था क्या यह सी से होकर जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा हाँ यह सी से होकर जाता है, लिख देंगे हाँ यह बिंदु सी से होकर जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में बिंदु ओ क्या होगा। अब देखो अभी आपको बताया था जब कोई बिंदु से अगर हम वृत्त खींचे वो तीनों शीर्षों से होता हुआ जाए, इसका मतलब इसको जो है हम लोग परिकेंद्र कहेंगे। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी के संदर्भ में ओ क्या है, परिकेंद्र है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 और अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के तीसरे और अंतिम प्रश्न को और उसको हम लोग करेंगे कॉपी पेन से, क्योंकि उसमें जो है लंब समद्विभाजक करने हैं और साथ ही साथ उस बिंदु को भी ज्ञात करना है, यानी कि परिकेंद्र ज्ञात करना है, तो कॉपी पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों अब हम आ गए हैं कॉपी पर और यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया है कि नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए और जांच कीजिए कि वे संगामी हैं। तो यहाँ पे एक भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर, तीसरी 4 सेंटीमीटर। कोई भी एक भुजा हम सबसे पहले खींच लेंगे, तो मान लिया 7 सेंटीमीटर की भुजा हमने खींच ली, ये इसको हमने नाम दे दिया ए बी 7 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा यहाँ से 5 सेंटीमीटर और यहाँ से 4 सेंटीमीटर के चाप लगा देंगे, तो 5 सेंटीमीटर का चाप ये लिया और यहाँ से लगा दिया। दूसरा इधर 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ से लिया
और ये लगा दिया। ये बिंदु जो आया इसको हमने सी डाल दिया, ए को सी से मिलाया। ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये बी को सी से मिलाया, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब हमें करने हैं इसके लंब समद्विभाजक। उसके लिए क्या करेंगे, आपको पहले भी हमने बताया था, आधे से अधिक चाप ऊपर नीचे, फिर से वही काम, इधर से ऊपर नीचे, उन दोनों को मिला देंगे, वही काम इधर करेंगे, आधे से अधिक चाप इधर इधर, इधर से भी वही काम करेंगे, इधर इधर। ये चाप यहाँ पे कट नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा और इधर कर देंगे, तो इसको इधर से मिला देंगे, और ये इन दोनों चापों को हम इधर से मिला देंगे। ये इसका लंब समद्विभाजक है एल एम पी क्यू। अब हमें ये देखना ए बी का लंब समद्विभाजक क्या इस बिंदु से होके जाता है। तो आधे से अधिक चाप लिया इधर और इधर इधर और इधर। अब ये जो दोनों आए हैं चाप, इनको हम आपस में मिला देंगे, और आप देखेंगे कि जब हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो पहले जहां से मिले थे वहीं से होते हुए ये रेखा जा रही है। इसका मतलब ये अगर हम आर एस दे दें इसका नाम, तो ये भी इसी बिंदु से बिंदुओं से होते हुए जा रही है। तो यहाँ पे चित्र से आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे कि तीनों लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु पर जाते हैं, अर्थात ये संगामी है। तो यहाँ पे हमने वही बात लिख दी कि चित्र से स्पष्ट है कि तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक एक ही बिंदु ओ से होकर जाते हैं, अर्थात ये संगामी है, और इसी को हम लोग त्रिभुज का परिकेंद्र भी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम प्रकार की नोक रख के, सोहम पीछे हो, प्रकार की नोक रख के अगर हम एक वृत्त खींचे तो ये तीनों बिंदुओं से होता हुआ जाएगा, और यही हमारा इस त्रिभुज का क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये था इसका पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, और वो हमारा है यहाँ पे भी त्रिभुज सबसे पहले बनाना है। एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और दोनों तरफ के यहाँ पर हमें कोण दिए गए। तो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर भुजा जो है वो हम लोग खींच लेते हैं, 6 सेंटीमीटर हो गई। ए बी इसको हमने नाम दे दिया 6 सेंटीमीटर। एक कोण 90 अंश का, दूसरा है 30 अंश का। तो आप लोग चाहें तो पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं या चांदा की सहायता से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है स्पष्ट। तो हमने इधर 90 अंश का कोण बनाने के लिए चिन्ह लगा दिया, और इस बिंदु बी से 30 अंश का कोण बनाने के लिए हमने चिन्ह लगा दिया है। ये इसको मिला देंगे इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ से ये 30 अंश वाले चिन्ह से हम मिला देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कोण हमारा है 90 अंश, ये कोण है हमारा 30 अंश, और इस बिंदु को हमने दे दिया सी। तो ये हमारा त्रिभुज एबीसी की रचना कंप्लीट हो गई है। अब हमें सीधा सा करना है इसके समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक करने। तो आधे से अधिक चाप ले लिया, ऊपर लगा दिया, प्रकार हिलना नहीं चाहिए, वही रहना चाहिए इसकी नाप, इधर हो गया। अब ऊपर से लगा देंगे इधर, और तरफ इसको मिला दिया इधर। ठीक है, तो इन दोनों को मिला देंगे, और इधर से भी देख लेते हैं, आधे से अधिक चाप इधर इधर, और आधे से अधिक चाप। तो कंफ्यूज मत होना, ये वाले दोनों बिंदु इस रेखा के थे, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया, और ये बिंदु
इस रेखा के थे तो इसको हमने यहाँ से मिला दिया, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया एल एम, इसको दे दिया पी क्यू। अभी इस बिंदु का लंब सम द्विभाजक होना बाकी है और हम इसका लंब सम द्विभाजक करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये इसी बिंदु पे संगामी होता है कि नहीं। तो फिर से वही काम, आधे से अधिक इधर 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 और इधर और इधर। अब इन दोनों को मिला देंगे और हमें पता चल जाएगा। तो ये आप देखेंगे बिल्कुल इसी बिंदु से होता हुआ जा रहा है, इसको आर और एस नाम दे दिया। तो ये उसी बिंदु से जा रहा है जिस बिंदु से पहले दो लंब सम द्विभाजक गए थे। इसको अगर हम ओ नाम दे दे तो यहाँ पे भी हम वही बात लिख देंगे जो पहले प्रश्न में हमने लिख दिया था। तो यही बात हमने यहाँ पे स्पष्ट लिख भी दी है कि चूंकि त्रिभुज की रचना से स्पष्ट है कि तीनों भुजाओं के लंब सम द्विभाजक एक ही बिंदु ओ से होकर जाते हैं, अर्थात ये तीनों संगामी है और यही बिंदु ओ इस त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर प्रकार की नोक रख के अगर हम एक वृत्त खींचे तो ये इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होता हुआ जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया था इस वजह से ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाया और ये वृत्त हमारा परिवृत्त हुआ। और यहाँ पे एक बात और आपने देखी होगी, चूंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज था इसीलिए इसके जो लंब सम द्विभाजक है वो इसकी जो बीच वाली भुजा थी, वो इसकी जो सबसे बड़ी भुजा थी कर्ण, उसके मध्य बिंदु पे पड़ता है। तो ये भी चीज आप ध्यान रखना। और अब हम लोग इसके अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। और ये हमारा दिया गया है 4.5 सेमी, 2.5 सेमी और बीच का कोण 105 अंश। तो सबसे पहले हम एक भुजा खींच लेते हैं 4.5 सेमी, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब एक भुजा 2.5 सेमी और बीच का कोण 105 अंश, तो बिंदु ए पे अगर हम 105 अंश का कोण बनाने के लिए एक बिंदु लगाएं, ये देखो 90, 100, 105 ये आएगा, ये है कोण 105 अंश। अब ये भुजा है 2.5 सेमी तो हम इसमें लेंगे चाप 2.5 सेमी का और ये हम लगा देंगे यहाँ से। अब हम इसको बिंदु बी से मिला देंगे, ये हमारा बिंदु सी आ गया। तो ये एबीसी हमारा त्रिभुज बनके कंप्लीट हो गया। अब हमें सिंपल सा वही करना है, इसके लंब सम द्विभाजक करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए बी भुजा के कर देते हैं, ऊपर नीचे चाप लगाए, वही काम हमने बिंदु ए से भी किया। और अब हम लंब सम द्विभाजक ए सी के लिए भी चिन्ह लगा लेते हैं, ये और ये, और बिंदु सी से भी लगाया तो ये और ये। अब हमने इन दोनों को मिला देंगे, ये लंब सम द्विभाजक हो गया ए बी भुजा का और ए सी भुजा का लंब सम द्विभाजक हो गया हमारा। अब हमें इसको अगर हम नाम दे दें एल एम, इसको नाम दे दें पी क्यू, तो अभी हमें बी सी भुजा का लंब सम द्विभाजक निकालना है और हमें ये देखना है कि ये इसी बिंदु से जा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आधे से अधिक चाप लिया, इधर इधर वही काम, यहाँ से इधर और इधर। तो ये दोनों हम जो चाप आए इनको हम मिला देंगे आपस में और आप देखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के ऊपर से जा रहा है ये, उसी के ऊपर से ये रेखा भी जा रही है जहाँ से पहले वाले दो लंब सम द्विभाजक गए थे। तो इसको अगर हम बिंदु ओ दे दे तो ये तीनों भुजाओं के लंब सम द्विभाजक बिंदु ओ पर हमारे मिलते हैं, जैसे कि पिछले वाले दो प्रश्नों में हुआ था। तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे, लिख दिया हमने कि चित्र से स्पष्ट है कि तीनों भुजाओं के लंब सम द्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं, अर्थात ये संगामी है। और यहाँ पे भी वही काम, ये केंद्र हमारा साधारण केंद्र नहीं होगा, ये हमारा परिकेंद्र कहलाएगा। और अगर हम यहाँ से एक वृत्त खींचेंगे तो वो हमारा तीनों
शीर्षों से त्रिभुज के होते हुए जाएगा और इसको हम जो है परिकेंद्र कहेंगे। परिकेंद्र और ये जो व्रत है इसको हम लोग परिव्रत कहेंगे। क्या कहेंगे? परिव्रत। तो ये था प्रश्न और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज और परिकेंद्र, परिव्रत और ये लंब सम द्विभाजक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।